नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग विजार्ड इन्फो डिफेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे और दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के बारे में। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे एयरक्राफ्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका वजन 162 किलोग्राम है, यानी कि एक छोटी मोटरसाइकिल के वेट से भी कम है। और इस एयरक्राफ्ट का पूरा नाम है VDJ-5J। और यदि हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो करीब 3.7 मीटर है। और यदि हम लोग इसके पंख की लंबाई की बात करें तो लगभग 5 मीटर का, यानी कि जो F-35 Raptor है उसका 1/3 है। अब दोस्तों, यदि हम लोग इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो है करीब 483 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाले कंपनी का नाम है बेड़े, यानी कि BEDA एयरक्राफ्ट कंपनी। दोस्तों बता दें कि ये जो कंपनी है करीब 100 से ज़्यादा ये इस तरीके की विमान को बना चुकी है और बेच भी चुकी है। और दोस्तों, ये विमान इतना छोटा है कि इसको सिर्फ एक ही पायलट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें दो कैटेगरीज में आती है, एक तो होता है फैन बेस एयरक्राफ्ट और एक होता है बूस्टर, जो कि इस वक्त आप लोग वीडियो में देख सकते हैं ये बूस्टर पर आधारित है। और एक इसमें और कैटेगरीज में आती हैं जो कि फैन, यानी कि जो पीछे वाले बूस्टर के जगह पर एक रोटर लगा होता है जो कि इसको मूव कराने में हेल्प करता है। अब दोस्तों, इस विमान का जो रिकॉर्ड है उसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है छोटे विमान की कैटेगरीज में। दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस एयरक्राफ्ट को खरीदने की सोच रहे हैं तो बता दें कि इसका दाम ज़्यादा महंगा नहीं है। और यदि हम लोग अमेरिकी डॉलर में बात करें तो करीब 2500 US डॉलर है। और इसको हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1,80,000 आता है। और कुल मिलाकर के 2 लाख में आप इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं जिसको कि सिंगल पायलट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इसके हम लोग बात करें टेक ऑफ वेट की, तो बता दें कि करीब 150 किलोग्राम तक के भार ले जाने में सक्षम है, यानी कि आप रहेंगे और आपके साथ कुछ आपका लगेज है तो उसको भी आप कैरी कर सकते हैं इसको आसानी से। अब यदि हम लोग इसके रेंज की बात करें तो दोस्तों, रेंज इसका काफ़ी अच्छा दे देता है। और यदि हम लोग इसको फुल फ्यूल लोडेड रेंज की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर तक है, यानी कि आप लोग इस एयरक्राफ्ट का फ्यूल को फुल करने के बाद लगभग 1500 किलोमीटर तक आप इसके जरिए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग इसकी बात करें टेक ऑफ डिस्टेंस की, तो आपको बता दें कि जो इसका टेक ऑफ डिस्टेंस है लगभग है 226 मीटर, यानी कि आप लोग इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदते हैं तो आपको करीब 226 मीटर का टेक ऑफ रनवे चाहिए। और लैंडिंग के लिए भी आपको लगभग 350 मीटर का एक रनवे चाहिए। कुल मिलाकर के आपको यदि 300 मीटर का यदि आपका रनवे हो जाए तो आप इस एयरक्राफ्ट को आसानी से लैंड और उड़ा सकते हैं। कि इस एयरक्राफ्ट को कई सारे वेरिएंट्स में बनाया गया है और जिस हिसाब से आपको ज़रूरत होगी उस कैटेगरी से जा करके आप लोग देख करके इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं यदि आप लोग इंटरेस्ट दिखाएँ तो। और यदि हम लोग बात करें जिस कंपनी की, तो करीब 500 से ज़्यादा इस तरीके की एयरक्राफ्ट को कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है जो कि विदेशों में खासकर ऑपरेट किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के बारे में जिसका नाम है एंटोनोव AM-225 मारिया। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था खास तौर पर किसी स्पेस क्राफ्ट को कैरी करने के लिए, जो कि रूस ने इसको बनाया था, एक स्पेस शटल था उसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का निर्माण सोवियत यूनियन ने 1980 में किया गया था और इसमें जो इंजन की संख्या है वो करीब 6 है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और ये अपने साथ करीब 640 टन तक के भार ले जाने में सक्षम है। और दोस्तों, इसका जो निर्माण है उसका सोवियत यूनियन ने किया था और इसको डिजाइनिंग ग्रुप था एंटोनोव कंपनी था और बनाने वाला एंटोनोव सीरियल प्रोडक्शन प्लांट। और यदि हम लोग इसके फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 21 दिसंबर 1988 में किया गया था। और दोस्तों बता दें कि इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था स्पेस शटल को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, उसके बाद इसका जो सर्विस है उसको कमर्शियल यूज़ के लिए लगा दिया गया। और यदि हम लोग स्टेटस की बात करें तो अभी भी ये अपने सर्विस विभिन्न प्रकार के कार्गो में दे रहा है, जो कि कार्गो बड़े बड़े सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए इसका इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों बता दें कि ये अपने कैटेगरी का अकेला ही विमान है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बनाया गया था। और यदि हम लोग इसके ऑपरेशनल हिस्ट्री की बात करें तो इसने कई सारे मिलिट्री और से लेकर के ऑफिशियल या स्पेस हर एक मिशनों में अपना योगदान दिया है। और यदि हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें, यानी कि इसके जो काबिलियत है और इसके डिजाइनिंग के बारे में, तो बता दें कि इसको 6 क्रू मेंबर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यदि हम लोग उसके लेंथ की बात करें तो करीब
84 मीटर की है और इसके पंख की लंबाई की बात करें तो करीब 88 मीटर है। और यदि हम लोग उसके ज़मीन से इस एयरक्राफ्ट की हाइट की बात करें तो लगभग 18 मीटर यानी कि 60 फीट के लगभग। और यदि हम लोग इसके इम्पटी वेट की बात करें तो वो है लगभग 2,80,000 किलोग्राम, और जो कि अपने साथ वजन जब ले जाता है तो इसका वजन हो जाता है लगभग 6,40,000 किलोग्राम। और यदि हम लोग इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि हम लोग इसको क्रूज स्पीड की बात करें तो वो है करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि हम लोग इसके रेंज की बात करें तो लगभग 15,000 किलोमीटर तक है, यानी कि एक साथ एक बार उड़ान भरने पर ये एयरक्राफ्ट लगभग 15,000 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। और यदि हम लोग इसके सर्विस सीलिंग यानी कि कितना हाइट तक उड़ान भर सकता है तो वो है करीब 11 किलोमीटर। दोस्तों आप सभी लोग पता होगा कि जो सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद यूक्रेन बना, तो बता दें कि इससे पहले जब सोवियत यूनियन एक था तो उस वक्त इसको ऑपरेट करने वाला सोवियत यूनियन ही था, मगर जब सोवियत यूनियन से यूक्रेन अलग हुआ तो ये एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास चला गया, जो कि उसी की कंपनी है एंटोनोव एयरलाइन, जो कि इसी एयरक्राफ्ट का इस वक्त इस्तेमाल करती है खासकर कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अब दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसकी साइज ही देख करके लगती है कि जैसा कोई समुद्री जहाज जा रहा हो। दोस्तों ये सब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों विमान के बारे में आपका क्या ख्याल है ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप लोगों को चैनल का वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।